कादीपुर ब्लॉक परिसर में इस समय हम उपस्थित हो चुके हैं और हम जानेंगे कि कृषि रक्षा इकाई विभाग में क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। अनिल कुमार मौर्य, सहायक विकास अधिकारी पौष रक्षा, कृषि रक्षा इकाई कादीपुर ब्लॉक से बात कर रहा हूं। मौके पे कृषि रक्षा इकाई पे जो सुविधाएं चल रही हैं उसमें कृषि रसायन के साथ साथ किसानों का अनाज भंडारण के लिए ये बखारी आपके सामने जो दिख रही है, ये 5 क्विंटल की बखारी भी किसानों को अनुदान पे दिया जा रहा है, जिसकी कुल लागत कीमत है आपका 4500 रुपये। 2000 रुपये आपके किसान के खाते में सब्सिडी के तौर पे वापस होगी। इनकी पूरी प्रक्रिया फाइलिंग वर्क करने के बाद हो सकता है ये 15 मार्च से पहले ही आ जाएगी। तो मौके पे सबसे बढ़िया कृषि रक्षा रसायन केंद्र पे जो सुविधाएं चल रही हैं वो बखारी वाली, बखारी के साथ साथ आपका जितने भी कृषि रक्षा रसायन हैं वो भी उपलब्ध हैं। जो करण मौके पे समय चल रहा है, आम के बौर आ रहे हैं। आम के बौर में अभी जो बौर आता है उसमें भुनगा लगता है और भुनगा जैसे लगता है उसका रस चूस लेता है बौर का, तो उसके बचाव के लिए अपने पास इमीडा क्लोरोपट दवाई है, उसके साथ साथ मैंकोजेब M45 दवाई है जो कि आपका इमीडा क्लोरोपिट 10 ml पर टंकी 15 लीटर का और मैंकोजेब 75 से 100 ग्राम पर टंकी के हिसाब से किसान भाई स्प्रे करें और अपनी फसल की सुरक्षा के तहत बचाव करके अपनी फसल का भरपूर उत्पादन करें। सर मात्र कुछ सेकंड में हम आपसे जानना चाहेंगे, सर इसमें प्याज भी लगा रहे हैं किसान? जी जी, उसके लिए आप? हाँ हाँ, इस समय बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। जो प्याज की रोपाई कर रहे हैं उसमें प्याज का पौध लेकर के ऊपर से थोड़ा सा पोर्शन हरा कट करके नीचे से जड़ कट करके मैंकोजेब M45 का जो है आपका फंजीसाइड उसमें डिप करके उसके बाद आप रोपाई करें तो इससे आपका जो फफूंद नाशक मतलब रोग लगता है उससे बचाव हो जाएगा और भविष्य में प्याज का पौधा भरपूर परिवार के साथ उत्पादन देगा।